ए मुसलमान, तेरी दो जहां में सरफराजी है, मर गया तो शहीद है और जिंदा है तो गाजी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं उड़ीसा में, और उड़ीसा के अंदर अगेन आपको गंजाम गोट्स का शौक कराने वाले हम लोग। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में गंजाम के बारे में सारी जानकारी आप तक लाएंगे। ये इंडिया की एक बहुत ही अच्छी फाइनेस्ट ब्रीड्स में है माशाल्लाह, और ये जो नस्ल है गंजाम, ये रजिस्टर्ड ब्रीड है। इंडिया की जो 23 रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं उसके अंदर इसका भी नाम है। कुछ वजाहत के वजह से ये इतनी फेमस नहीं हो पाई, सो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि इस बकरों के बारे में आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला पाऊँ। ये नस्ल ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा में और उसके बाद में आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे पाई जाती है। केरला के भी कुछ हिस्सों में ये नस्ल पाई जाती है। ये जो नस्ल है ज़्यादातर, मैं तो कहूँगा कि 100% ये ग्रेजिंग पे अपना वक्त बिताते हैं। स्टॉल फीडिंग में इनको अभी तक किसी ने नहीं पाला है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, पर ज़्यादातर ये ग्रेजिंग के लायक ही मानी जाती है, क्योंकि इसका जो नेचुरल हैबिटेट है, आप देखेंगे ये पहाड़ों पे ग्रेज करते हैं। इनकी जो बकरियाँ होती हैं, बकरे होते हैं, ये ज़्यादा माने जाते हैं अपने स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स के लिए, अपनी सिंगों के लिए। एक एवरेज बकरे की सिंग 1.5 से 2 फुट हो सकती है, और कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में ये उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसका कोई एक कलर नहीं होता दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये अलग अलग कलर्स में आती है। काफ़ी वेरिएंट आते हैं कलर्स में, ब्लैक एंड ब्राउन कॉमन है, वाइट पैचेस के साथ कॉमन है, पर जो बहुत ही देखने वाली बात होती है ना दोस्तों, वो इनके बड़े बड़े हॉर्न्स होते हैं। ये एक साथ 200, 300, 500 जानवरों के रेवड़ में भी रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, और जो कम्युनिटी जो इनको संभालती है, जो ट्राइब इनको संभालता है, वो गोला नाम से काफ़ी फेमस है। जी आइए, हम इस पे घूम रहे हैं ना, ये रेवड़ पूरे गंजाम के हैं, और अभी हम हमारे साथ अबरार भाई भी है, ये देखने में इनको बहुत शौक है इस बकरों के, हमारे साथ चल के आए काफी दूर से। एक पीछे दिखा सकते लोगों को, तो देख के समझ में आएंगे सिर्फ सिंगे नजर आएंगे। दिखा दो, ये फट को रहा राम मोटे दल रहा हमारे ड्राइवर डक ड्राइवर डक मैंने भी शेयरिंग टोन से लिए पति और क्वालिटी के बारे में क्या बताएंगे आप दिलेश भाई? क्वालिटी भाई देखो, आपके सामने ये एक से बढ़कर एक बकरे हैं, और बकरे रंग बिरंगे हैं भाई, सबसे बड़ी बात तो सुंदर है, चलने वाले फुल जंगली बकरे हैं। और अबरार भाई आपको क्या बोलते हो, मतलब आप देखो भाई? वालेकुम सलाम भाई, मैं तो पहली बार आया हूँ, दिलेश भाई तो आते रहते जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मतलब लूंगा जंगल है जी। बकरे तो लाजवाब है, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा, मैंने फर्स्ट टाइम लाइव। तो गंजाम के बारे में क्योंकि लोगों को मालूमात नहीं थी जी, तो आप आए यू नो,
भाई आपको तो मालूम होगा पहले ना भाई, मैं तो यार लगभग तीसरी मरतबा आ रहा हूँ मैं, तीसरी पहले तो देख के एक आध बार खरीदी भी की, अभी फिर से खरीदी करने आए हम जी। तो मालूमात तो पहले से थी जी, पर अब इस पे काम भी कर रहे हैं तो अब और ज्यादा जानकारी। तो आप लोगों दोनों के पास ये मिलेगी, अवेलेबल रहेगी, कैसा होगा? अभी तो आप मेरे साथ तो पहले भी मिल लीजिए, अभी अबरार भाई के पास भी मिल जाएगी, बॉम्बे पहुँच के भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, उसी के कॉन्सेप्ट के लिए आए आसिम भाई। सही है, इंशाल्लाह बॉम्बे पहुँच के भी मिल जाएंगे ये बकरे। तो लोगों को ना ऐसा लगेगा कि यहाँ से लेना आसान है, ऐसा नहीं है, है ना? ट्रैवलिंग की है हम लोग तो, आज दूसरा दिन है आज हमारा, और अभी तक मतलब बस चल ही रहा है प्रोसेस, है ना? यहाँ रुके ठहरे बार्गेन करो, ट्रैवलिंग यहाँ से पहले बेचे तो ये सबसे हेक्टिक काम ट्रैवलिंग है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा दिलेश भाई, आप चलें थोड़ा, कि ये बकरे यहाँ से जैसे कि आप लेते हैं तो क्या क्या देखी जाती है मेन चीज इसके अंदर? इन बकरों पे भाई ये ज्यादातर जो है ना इनके बनावट देखते हैं, ज्यादातर लोग जो शौक करते हैं इनके खूबसूरत सिंग जो है ज्यादातर अभी मायने रख रहे हैं मेरे हिसाब से, तो सिंगों के लिए लोग इनका शौक कर रहे हैं जी। और कुछ नहीं, ये खूबसूरत जानवर दिखते हैं, जंगली है ज्यादा, इसलिए लोग उनको पालना रख के अपने पास रखना पसंद कर रहे हैं। और ये क्या बहुत सारी तादाद में है यहाँ पर के, कैसा है के कम ये है? नहीं नहीं भाई, ये ब्रीड ऐसा है ये एक तरह से रेयर है, लुप्त हो गई है बेसिकली, ये एक तरह से रेयर है। आप एक बहुत बड़ा एरिया, आप एक बहुत बड़ा एरिया ढूंढेंगे तो आपको कुछ बकरे ऐसे रेवड़ मिलेंगे, वो भी इनमें भी 10-20 लोगों की जानवर है, तो इतनी क्वांटिटी में है, अदरवाइज बहुत शॉर्ट है, इनकी प्रोडक्शन कम है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को कि इसके बकरे पालना चाहिए कि बकरियाँ? भाई ये तो बकरों का लोग शौक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मैं लोगों को ये बोलूंगा कि इनकी बकरियां, इनको बचाना है हमको। अगर ऐसी ब्रीड हम चाहें कि अपने इन फ्यूचर मिले हमको, हाँ, तो इनकी बकरियां लोगों को पालनी चाहिए, ब्रीडिंग सेटअप रख के इनके प्रोडक्शन लेने चाहिए, इनके बच्चे निकाले, ये ज्यादा बेस्ट तरीका है भाई। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं ही अभी तीसरी मरतबा अगर आ गया, जो भी परचेस करा लेके चल दिया, जिनको यहाँ पर बकरी नहीं हुई तो ये उपज कहाँ से होगी? सही है, तो बकरियाँ भी आप बेचोगे बेसिकली? मैं अपने फार्म पे रख के ब्रीडिंग कराऊंगा भाई, और बकरियाँ तो बेचूंगा, जिस भाई को अगर चाहिए तो मैं यहाँ से बकरियाँ भी भर रहा हूँ। ठीक है अबरार भाई, और आपको क्या लगता है मुंबई में ये ब्रीड आपने देखी है पहले कभी? भाई आसिम भाई नहीं के बराबर है, बट मुंबई वाले शौक करते वो चीज देखा है मैंने, तो इसके लिए हम लोग मुंबई वाले को यहाँ से अवेलेबल करा देंगे इंशाल्लाह। तो मिल जाएगी मुंबई में सब जगह, जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह, आए उसी के लिए आसिम भाई, आपके यहाँ से मिल जाएगी, और भाई तो यहाँ से भेजते ही हैं, और नस्ल को क्या बोलते हैं और इसकी आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? इसको गंजाम बोलते हैं भाई, बस गंजाम ही और कोई नाम नहीं है भाई, ये लोकल यहाँ की है, पर ये हमारे इंडिया की है, रजिस्टर्ड ब्रीड है, रजिस्टर्ड है, सीआईआरजी में आप पता करो तो ये गंजाम बकायदा रजिस्टर्ड ब्रीड है। 28 जो 28 बकरियां उसमें से ये एक बकरी रजिस्टर्ड है, है ना? तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग और भी बातें करते हैं, अभी कुछ जंगल की ग्रेजिंग दिखाएंगे इंशाल्लाह। जंगल दिखाओ कहाँ चलेंगे? चलिए हम लोग भी कर रहे हैं ना बाबू, चार बातें जिंदगी में काम आने वाली, कोई भी पकड़ो, काम करो ऐसा जो कोई ना बोले कुछ, बात करो ऐसी जो कोई ना बोले चुप, चलो ऐसे लोगों में जो ऐसी राह पर जो कोई ना बोले रुक, काम करो ऐसा जो कोई ना बोले कुछ। और भी कुछ हिडन फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस नस्ल के बारे में। सबसे पहले कि ग्रेजिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ये काफ़ी इजीली टेम नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे इनका बचपन, ये पैदा ही हुए हैं जंगलों में, तो उस हिसाब से ये बड़े होने तक ये ग्रेजिंग ही कर रहे हैं और रेगुलर ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो वो हिसाब से ये टेम इजीली नहीं होते हैं इन फर्स्ट स्टेज। इसके बाद में अगर आप इसको रख रहे हैं अपने पास इंस्टॉल फीडिंग या आप खूंटे पे बांध के, तो वो बात अलग है। एंड जैसे मैं आपको बता रहा था, ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर ग्रेजिंग करते हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं दोस्तों। ये लाइक मैंने भी ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग नस्लें देखा हूँ, मेरे हिसाब से ये इंडिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीड मैं कहूँगा इसको, पावर के नज़रिए से। वेट में मैंने इसमें मैक्सिमम बड़े से बड़ा बकरा जो देखा है दोस्तों, वो अराउंड 80-85 केजी तक का ही देखा है,
अगेन यू नो, क्योंकि ये दिन भर चल रहे हैं, ये काफ़ी फिट एंड फाइन है। जैसे आप देख सकते हो ये चार बड़े बक एक साथ बैठे हैं। ये नज़ारा मेरे खुद के लिए ही बहुत बेहतरीन है दोस्तों। जस्ट सी देयर हॉर्न्स, आप इनकी हॉर्न्स की क्वालिटी चेक करें, वाह। जस्ट एक ही बात आती है मुँह पे, वो है माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हॉर्न्स हैं। एंड टाइगर प्रिंट में अगेन, ये हमारे दानिश भाई की भी फेवरेट कलर है, देख सकते हैं आप टाइगर प्रिंट में काफ़ी बड़े बड़े बग्स आपको दिखेंगे। एक और बात जो मैंने नोटिस की कि बाकी जगह पे जो आप रेवर देखते हो ऑल ओवर इंडिया में, उसमें एक या दो बग रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही रखते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। जखराना भी मैं गया था तो एक 50-100 के रेवड़ में वो लोग एक ही बड़ा बकरा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर है ना, अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो एक एक रेवड़ में इनके पास में 15-20 ऐसे बड़े बड़े बक होते हैं। चार बातों का ज्ञान, रूप न देखे बासी कुसी, नींद न देखे टूटी खाट, और प्यास न देखे धोबी घाट, और प्यार न देखे जाट।